हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के एक ऐसे शानदार प्लान के बारे में जिसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 साल में 22 लाख रुपए तक मिलेंगे और वो विद प्रूफ हम आगे कैलकुलेट करके भी देखेंगे। इसके साथ साथ आप जितना पैसा भी आप पोस्ट ऑफिस के इस प्लान में इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको भारत सरकार की गारंटी मिलेगी और आपका पैसा 100% सिक्योर होता है। आपको आपका एक एक पैसा ब्याज के साथ जरूर मिलेगा। देखिए, आज हम जिस प्लान की बात करने वाले हैं वो है MIS प्लस RD प्लान। देखिए, इस स्कीम में क्या होगा, हमें एक बार पैसे जमा करने होंगे और हमें हमारे पैसे पर पोस्ट ऑफिस की दो स्कीमों के बेनिफिट्स और ब्याज मिलेंगे। देखिए, वो कैसे मिलेंगे, देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये जो प्लान है हमारा दो स्कीमों से मिलकर बना है, दो प्लान से मिलकर बना है। एक है पोस्ट ऑफिस का MIS यानी मंथली इनकम स्कीम प्लान, दूसरा है हमारा RD प्लान। तो आइए अब समझते हैं कि कैसे हमें एक बार पैसे इन्वेस्ट करने पर हमें दो दो प्लान्स का, पोस्ट ऑफिस की दो दो स्कीम्स का बेनिफिट मिल रहा है। देखिए, जो पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम होती है, ये एक 5 साल की स्कीम है। इसमें हमें एक बार पैसे जमा करने होते हैं। अगर कोई सिंगल शख्स ये खाता खुलवाता है यानी सिंगल अकाउंट वो अपना खुलवाता है तो वो इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वो किसी के साथ मिलकर ये अकाउंट खुलवाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपये तक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। और इस स्कीम में हम जितने भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसका जो ब्याज होगा वो हमें हर महीने मिलता रहेगा। इसके उलट हमारी RD स्कीम होती है। RD स्कीम में क्या होता है कि RD स्कीम में हमें हर महीने पैसे जमा करने होते हैं। ये 5 साल तक हमें पैसे जमा करने होंगे क्योंकि RD स्कीम एक 5 साल की स्कीम है। और RD स्कीम की जो ब्याज दर होगी उस ब्याज दर के हिसाब से हमारे पैसे पर ब्याज लगता रहेगा और 5 साल के बाद हमें ये पूरा पैसा ब्याज के साथ मिल जाएगा। देखिए, ये पूरा प्लान कैसे काम करेगा। देखिए, हमारी जो MIS स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम, जैसा कि मैंने बताया उसमें हमें एक बार पैसे जमा करने हैं, उसका जो भी ब्याज होगा वो हमें हर महीने मिलता रहेगा, वो हमारे सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो या तो हम उस सेविंग अकाउंट से निकाल कर उस पैसे को यूज कर सकते हैं या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम उस पूरे पैसे को सेविंग अकाउंट में ही रखें। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो ब्याज आया है मंथली इनकम स्कीम का, उस ब्याज के ऊपर सेविंग अकाउंट का जो 4% का ब्याज है वो लगता रहेगा अगले 5 साल। लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन ये है कि आप उस सेविंग अकाउंट से वो पैसा निकलवा लीजिए और उस पैसे को निकलवाकर RD में इन्वेस्ट कर दीजिए। और ये जितना भी प्रोसेस है कि MIS स्कीम का ब्याज आया हर महीने हमारे सेविंग अकाउंट में और वो सेविंग अकाउंट से निकलकर हमारे RD स्कीम में इन्वेस्ट हो गया, ये पूरी प्रोसेस सारी की सारी ऑटोमेटिक है। आपको कुछ नहीं करना, पोस्ट ऑफिस वाले को अगर आप बता दोगे तो ये आपका पूरा काम ऑटोमेटिक घर बैठे हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस से आपका फायदा ये होगा कि आपका जितना भी ब्याज आपको मिल रहा था MIS स्कीम का हर महीने, अब उस पे RD स्कीम का जो ब्याज है वो भी लगेगा। और फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट है MIS स्कीम की वो 7.4% चल रही है और जो RD स्कीम की वो 6.5%। यानी जो आपको ब्याज मिल रहा है 7.4% के हिसाब से MIS स्कीम में, वो सारा का सारा आपका RD अकाउंट में चला जाएगा और आपके उस ब्याज के ऊपर जो आपका MIS स्कीम से आया है उस पे आपको RD का ब्याज मिलेगा जो 6.5% है। यानी आपको इस स्कीम में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और तो आइए अब देखते हैं हमारे इस MIS प्लस RD प्लान में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने मिलेंगे और इसके साथ साथ हम इसको कंपेयर करके देखेंगे अगर हम ये ब्याज RD में इन्वेस्ट ना करते, सिंपल सेविंग अकाउंट में ही रखते, तब हमें कितने रुपए मिल रहे होते, या फिर जितनी अमाउंट हमने इस प्लान में इन्वेस्ट की है उतनी ही अमाउंट हम 5 साल की FD में इन्वेस्ट करते क्योंकि वो भी एक 5 साल की स्कीम है, तब हमें कितने रुपए मिलते। आइए सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करके देखते हैं हमारी कैलकुलेशन शीट। देखिए, जैसा कि इस वीडियो में बहुत सारे रूल्स हैं वैसे ही पोस्ट ऑफिस के भी बहुत सारे रूल्स हैं। पोस्ट ऑफिस में लगभग 10 से ज़्यादा योजनाएं हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम, पोस्ट ऑफिस की PPF स्कीम, पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस की NSC, पोस्ट ऑफिस की KVP, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम। तो ऐसे करके लगभग 10 से ज़्यादा स्कीम्स पोस्ट ऑफिस में है। तो उन सब के रूल्स और उन सब रूल्स को याद करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। हमने तैयार की है आपके लिए एक ई-बुक जिसमें पोस्ट ऑफिस की इन सारी स्कीम्स के रूल्स बिल्कुल आसान भाषा में है, जिसको आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगी और उसमें से आप कभी भी जो भी आपको रूल जानना है आप इजीली उसमें देख सकते हैं। देखिए, इस ई-बुक का प्राइस हम पहले 500 रुपये रखना चाहते थे लेकिन हमें पता है कि सारे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसका प्राइस रखा सिर्फ 100 रुपीज। क्योंकि हमारी ईबुक की ये फर्स्ट लॉन्चिंग है इसीलिए हमने एक स्पेशल ऑफर रखा है, पहले 500 लोगों के लिए ये प्राइस होगा सिर्फ 50 रुपये, जो एक पिज़्ज़ा और बर्गर से भी बहुत कम है। उसके बाद ये प्राइस बढ़कर 100 रुपीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
और इसका प्राइस हमने इसलिए इतना कम रखा ताकि सारे इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि फाइनेंशियली इतना वीक है कि वो ₹50 भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपनी कंडीशन बता सकता है, उसको हम ये फ्री में अवेलेबल करवा देंगे। अगर आप ये ईबुक खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इसको इजीली ले सकते हैं। अगर वहां पे आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आती है तो हमने नीचे एक UPI ID दे दी है, आप वहां से पेमेंट करके तो उसका स्क्रीनशॉट आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं या हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है satvindernarwalofficial@gmail.com वहां पे आप उसको भेज सकते हैं, हम उस ईबुक की कॉपी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलते हैं अब हमारे मेन कंटेंट पे। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में जो मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं जॉइंट अकाउंट में, तो अगर 15 लाख रुपए इस MIS स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो उस वजह से हमें 5250 रुपये हर महीना मिलेंगे। अगर हम MIS स्कीम में ही इन्वेस्टेड रहते, कहीं और उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते, जो हमें ये 5250 रुपये मिल रहे हैं हर महीना, इसको हम कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते, तो 5 साल में हमें सिर्फ MIS स्कीम में मिलेंगे 5,55,000 रुपये ब्याज के रूप में, क्योंकि हमें 15 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किए थे, जो टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी 5 साल के बाद वो हो जाएगी 20,55,000 रुपये। अगर हम बात करें इन्हीं 15 लाख को हम 5 साल की FD में इन्वेस्ट करते तो हमें जो टोटल ब्याज मिलता वो मिलता 5 साल में 5,78,517 रुपये, यानी हमारे 5 साल में टोटल अमाउंट हो जाती पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD में 20,78,517 रुपये। और क्योंकि हमारा जो ये ब्याज है MIS स्कीम में हमने इन्वेस्ट किया है, हमें हर महीना मिल रहा है, ये ऑटोमेटिकली हमारे सेविंग अकाउंट में जाएगा और वहां पे हमारा 4% का इंटरेस्ट रेट लगेगा सिंपल सेविंग अकाउंट का। तो आइए देखते हैं, अगर ये 4% का इंटरेस्ट रेट लगता है और हम उसको सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं तब हमें कितने रुपए मिलते, क्योंकि हमने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 15 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए हैं। अगर उसको सिंपल सेविंग अकाउंट में रखते हैं इस ब्याज को, हम सिंपल MIS में अगर हमें कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया तब तो हमें 5,55,000 रुपए मिल रहे थे, अगर उसको हम सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते तो हमें जो टोटल ब्याज मिलता 5 साल के बाद वो मिलता 6,14,169 रुपये, यानी हमारी टोटल अमाउंट हो जाती 5 साल के बाद वो हो जाती 21,14,169 रुपये। अब आइए जानते हैं MIS प्लस RD प्लान का। देखिए, जैसे कि SB में ही हमने पैसे रखे थे, इसको हम MIS प्लस SB प्लान बोल सकते हैं। अब बात करते हैं MIS प्लस RD प्लान के, यानी कि जो है 5,250 रुपये हमें मिल रहे हैं, अगर वो हम RD में इन्वेस्ट कर देते हैं ऑटोमेटिकली तब हमें कितना फायदा होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो 15 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किए तो जो टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी, ब्याज हमें टोटल मिलेगा, वो मिलेगा 6,56,665 रुपये, यानी हमारे जो 15 लाख रुपये हैं वो बढ़ के हो जाएंगे 21,56,665 रुपये। देखिए हमें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इस MIS RD प्लान में, इन सबसे ज्यादा हमें ब्याज मिल रहा है उन्हीं 5 सालों में MIS प्लस RD प्लान में। आइए देखते कितना ज्यादा मिल रहा है। अगर हम MIS प्लस RD प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 1,01,665 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं सिंपल MIS प्लान से। अगर हम इस ब्याज को कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करते, खर्च कर देते हैं, तो उससे 5 साल में हमें 1,00,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर हम बात करें MIS प्लस SB प्लान से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, अगर हम उसको सिंपल SB में रखते हैं तो MIS प्लस RD प्लान में हमें 42,506 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं MIS प्लस SB प्लान से। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 5 साल में हमें लगभग 42,000 रुपये का फायदा होता है अगर उसको हम RD में इन्वेस्ट करते हैं SB में ना रख के। अब बात करते हैं 5 साल की FD से कितने ज्यादा मिल रहे हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हो 78,148 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं 5 साल की FD से अगर हम इस MIS प्लस RD प्लान में इन्वेस्ट करते हैं वही 15 लाख रुपये। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि कितना फायदा है हमारा MIS प्लस RD प्लान का, हमें लगभग 1,00,000 रुपये तक का ज्यादा फायदा हो रहा है 5 साल में। तो अमाउंट पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।